अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जो है मैं हसन के साथ खाने जा रहा हूँ अलबेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इसका नाम है यहाँ पे दुबई में। रेसिपी जो है ये वैसे सऊदीया की है, लेकिन अब यहाँ पे दुबई में बहुत ज़्यादा इन है और इसमें इतना ज़्यादा रश होता है कि दो दो घंटे तक तो बारी ही नहीं आती। तो चले चलती हैं, आप भी चलें साथ, लेट्स गो। अभी जो है हम दुबई माल आए हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू है और बहुत ही प्यारा लग रहा है बुर्ज खलीफा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज हमें अलबेक नसीब होगा, मुझे लग रहा है कि शायद नसीब होते, शायद नहीं भी, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा है। सो लेट्स गो। ओके, तो दोस्तों ये देखें अलबेक और रश आपके सामने है। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। हसन भी बेचारा है, हसन क्या कर रहे हैं आप? यार मैं वीडियो कर रहा था। डर तो नहीं गए रश देख के? रहेंगे, खा के रहेंगे। तो अभी जो है हमने ऑर्डर दे दिया है, स्लिप ले ली है, और तो हम लोगों ने पहले ही उधर से ऑर्डर करवा दिया है, अब इसकी पेमेंट करने जा रहे हैं। तो ऑर्डर तो हमें मिल गया जल्दी, लेकिन अभी जो हमने करना है उधर से क्या वेटिंग लाइन है, क्यू है, वो देखें अब, वो तो बहुत लंबी है और आगे तक है। तो फाइनली जो है वो हमारा ऑर्डर रस्ते में है, सब तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। सो गाइस हम ये मैं भी लेके हूँ, आधा पूरा घंटा लगा है। देखो क्या हुआ, 242 पे गए, 44 था, 450 है। नहीं नहीं क्या मतलब, 224 पे था ना, 424 अभी का टाइम हुआ है। तो 25-30 मिनट लगे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी आज बारी आ गई। तो ये ऑर्डर है, ये हसन है, ये इसका कैमरा है, और अब हम इसको खाने लगे हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये कैसा है। ओके, इजाज़त दें हमें। टेस्ट KFC से काफ़ी डिफरेंट है, KFC का डिफरेंट टेस्ट है। तो भाई सबसे पहले जो है मैं इनके नगेट्स वो टेस्ट करने लगा। वाओ, व्हाट अ टेस्ट मैन, व्हाट अ टेस्ट, कमाल, जबरदस्त, कमाल हो गया, मज़ा आ गया वाकई में, बहुत मज़े का। सही बताओ, और ये देखो इसके अंदर केचप भी है, ये पता नहीं क्या, ये मिक्स फ्लेवर्स इन्होंने कुछ करके ना ऐड किए हुए हैं। केचप नहीं है ये, देखें काइंड ऑफ सॉस, हां कोई सॉसेस इन्होंने ना मिक्सचर उसका ऐड किया हुआ है। कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा, ये वाकई टेस्टी है।
जो ये भी बहुत मज़े का, क्या नाम है इसका? इसके साथ सॉसेस भी आपको दिखाते हैं, ये गार्लिक सॉस दी है इन्होंने और टोमेटो सॉस भी है। सॉस है क्योंकि अभी अब तक हमने ओपन नहीं किया। उनके हर मील के अंदर ये सॉसेस जो है ना मिक्स, ये जरूर मेरा लगता है ये जो चीज़ है ना, ये इनकी सिग्नेचर वो है। हाँ जी, कैसा? सेम है, थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, खा के बताते हैं अभी, जरा खा रहे हैं, खाने तो दो खा के बताते हैं। पर देखें, अभी हमसे सारा खाया नहीं गया। मुझे जो इसका टेस्ट है वो सबसे अच्छा लगा। इसका जो टेस्ट है वो मुझे सबसे अच्छा लगा। हाँ, नगेट्स भी अच्छी हैं। और जिससे पहले हमने एक, ये तो मुझे लगता है कि नगेट्स का और इसका सेम है कि डिफरेंट है। डिफरेंट है, ये ज़्यादा मज़े का। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ। तो दोस्तों, अलबेग की ये खासियत है कि जो इसका जो ओनर था, उसने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसने अल्लाह से एक वादा किया था कि जब भी मेरा एक मील सेल होगा तो मैं एक रियाल जो है वो अल्लाह की राह में दूंगा। मतलब हर मील पे एक रियाल, अगर वो डेली के 1000 मील जो हैं वो उसके सेल होते हैं तो 1000 रियाल जो है वो अल्लाह की राह में देगा। तो दोस्तों, जिस इंसान की नीयत ऐसी हो तो अल्लाह पाक क्यों ना उसके कारोबार में इतनी बरकतें अता करें। तो गाइस, फाइनली हमने खा लिया है, बहुत एंजॉय किया है, बहुत मज़े का था। स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, जो लोग स्पाइसी खाते हैं ये इसमें बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। और टेस्ट में बेहतरीन है, आला है। और प्राइसेस जो है इसकी वो भी बहुत रीज़नेबल है, और इतना खाने के बावजूद इतना ज़्यादा बच भी है। ये हमारा पूरा एक दो बंदों का पास है। 60 का ऑलमोस्ट हमारा 63 का इसका बिल बना था, और हमने सारा आपको वीडियो में दिखाया कि क्या क्या खाया, और अभी आधा बच भी है। तो बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर आएँ, इसको टेस्ट करें। और वीडियो कैसी लगी आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।